प्रदेश ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा हादसा हो गया, जहां सिलेंडर फटने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। हालांकि मौके पर लगातार वहां पर राहत बचाव का काम जारी है। से जो मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जमींदोज हो गया है। एक बड़ा हादसा हुआ और जैसे ये जानकारी प्रशासन को लगी, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है। कोशिश ये की जाती है कि मलबे में जितने लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक ये तस्वीर, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीर है, जहाँ सिलेंडर फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई और इसके बाद इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल चल रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। लेकिन इस बड़े हादसे के पीछे सिलेंडर फटने की वजह सामने आई है। तो जब यह हादसा हुआ, परिवार के लोग घर में मौजूद थे, क्योंकि शाम 8:30 बजे का समय था जब हादसा हुआ। और आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इसके बाद परिवार में मातम पसर गया है। हालांकि कोशिश ये रही कि मलबे में जितने लोग फंसे उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और सभी को बाहर निकाला गया। इधर गलवान में भारत से मात खाने के बाद अब चीन को भी समझ आ गया कि अब नए भारत से उलझना ठीक नहीं है, और यही वजह है कि उसके रुख में नरमी आ गई है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि चीन गश्ती और पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हो गया है। एक खबर रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LSC पर गश्त फिर से शुरू करने के समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचो क्षेत्र में दोनों पक्ष फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। LSC से दोनों देश अपनी सेनाओं को भी पीछे हटाएंगे। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. पेट्रोलिंग के लिए सहमति बनने का ये बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से शुरू हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। 2020 में गलवान में हुई झड़प से पहले भारत और चीन के बीच टकराव का जो भी कारण था, उनका हल तलाशने में महीनों से दोनों पक्षों की तरफ से महत्वपूर्ण प्रगति की गई। समझौते के बाद भारतीय सैनिक उन पेट्रोलिंग पॉइंट पर जा पाएंगे जो विवाद का कारण थे। अब तक एक धारणा थी कि उभय पक्ष जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा ना हो कि पेट्रोलिंग पार्टी आपस में ही कंफ्यूज होकर मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत एक दूसरे पर फायरिंग कर दें। हम नहीं चाहते, भारत और चीन अब नहीं चाहते ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। इसी के लिए आज की जो सफल शर्तों के साथ जो संधि हुई है वह भविष्य में जमीन पर लागू की जाएगी। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन की सीमा 1597 किलोमीटर है। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में ही चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों के साथ उनकी जोरदार झड़प हुई थी। माना जाता है कि इसमें 50 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की मौत की संख्या पर कभी खुलकर नहीं बोला। गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कहा जाता है कि इस इलाके में दोनों देशों के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। यही वजह है कि सेनाओं के बीच एक असहज गतिरोध बना हुआ था। चाइना का परसेप्शन हमारी तरफ है, कहीं पे हमारा परसेप्शन चाइना की तरफ है। अब एक समझौता हुआ, वो ये कि हमारे लोगों को जहां पेट्रोलिंग पर जाने से रोक दिया गया था वो वहां तक जा पाएंगे, चाइना के आ पाएंगे। अब इसको आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन डीएस्केलेशन नहीं हुआ। यानी कि हमारी दोनों देशों की जो फौजें हैं वो वापस बैरक्स में नहीं गई हैं। पेट्रोलिंग पर सहमति के फैसले को भारत के लिए कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति करने से पीछे नहीं है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है,
कि हमें सीमावर्ती इलाकों में डिसएंगेजमेंट की शर्तें भी जानने की जरूरत है। डोकलाम में हमने जो देखा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। झड़प के बाद पीएलए ने क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति हासिल कर ली थी। जब तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक नतीजे के बारे में निश्चिंत होना मुश्किल है, क्योंकि विदेश सचिव की भाषा बहुत गूढ़ थी। चीन के साथ जिस व्यवस्था पर सहमति बनी है उसके ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम भारत और चीन के बीच सकारात्मक संवाद की एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, जो दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी दर कड़ी अब खुलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध का पता लगा लिया है। ये वही संदिग्ध है जिसने ब्लास्ट वाली जगह में एक फीट गड्ढे के अंदर बम को फिट किया था। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में जिस सफेद पाउडर का जिक्र किया गया है, जो सफेद पाउडर हाथ लगे हैं उसमें तीन तरह के केमिकल मिलावट की खबर भी सामने आई है। और क्या क्या खुलासे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट का केमिकल कनेक्शन, संदिग्ध का सुराग, सीसीटीवी में सबूत। एक रात पहले साजिश, एक फीट गड्ढे में बम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुए धमाके की जांच जारी है। वहीं इस धमाके के तार खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत सामने आ रहे हैं। दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके ने सबको डरा कर रख दिया। बस राहत की बात यही रही कि इस बम धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। रोहिणी इलाके में हुए इस बम धमाके का वीडियो भी सामने आ गया। धमाका कितना जोरदार था इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है। आपको बता दें, धमाका कल सुबह 7:50 पर हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस ब्लास्ट से स्कूल की दीवार, पास की दुकानें और एक कार को नुकसान पहुंचा। वहीं एजेंसियां सैकड़ों कैमरे खंगाल चुकी हैं। घटना से पहले का भी सीसीटीवी एजेंसियों के हाथ लगा, जिसमें एक संदिग्ध नजर आया। एजेंसियों को शक है कि ब्लास्ट में इसका हाथ हो सकता है। कल हुए जोरदार धमाके के बाद मौके पर धुएं के गुब्बार नजर आए। धमाके के बाद जांच एजेंसियों की जांच जारी है। कई एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे, क्योंकि मौके से न टाइमर, न डेटोनेटर, न कोई मेटल, न कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला। मौके से मिला तो सिर्फ सफेद पाउडर, और इसी सफेद पाउडर के कारण ये धमाका रहस्यमय हो गया। यही कारण है कि जांच एजेंसियां इस धमाके की जांच आतंकी हमले के एंगल से कर रही है। ब्लास्ट के कई एंगल को यहां पे खंगालने का काम जो एफएसएल की टीम पहुंची है और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, सीआरपीएफ की टीम पहुंची है, उनके द्वारा किया जा रहा है। पहले तो मैं वो स्पॉट दिखा दूं आपको, जो स्पॉट पे जहां पे ये धमाका हुआ था। हालांकि धमाका का कारण अभी भी नहीं खंगाला गया है और नहीं खोजा गया है, और खोजने का काम अभी भी जारी है। जांच एजेंसियों के पास सिर्फ सफेद पाउडर और सीसीटीवी फुटेज है। इसी के सहारे जांच आगे बढ़ रही है। दिल्ली में धमाके की खबर पुलिस को देने वाले नरेंद्र कादियान से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बयां की। ये 6:30 मैं अपनी सीट पे बैठ के काम कर रहा था। मेरे सामने सीआरपीएफ का ग्राउंड है, बड़ा अच्छा माहौल रहता है। बाबा रामदेव मेरे को कई बार याद आता है, प्रणायाम करो, लोम विलोम करो, तो अच्छी आवाज थी, अच्छा वातावरण था। तो 7:30 के आसपास थोड़ी हलचल सी मेरे को महसूस हुई। मैंने अपनी मिसिज को कहा भी चाय बना दे, चाय पी लिया। तो उस टाइम 7:40-7:45 के आसपास बहुत तेज़ धमाका हुआ। धमाका इतना कि मतलब ज़मीन हिल गई। ये मेरी खिड़की है, खिड़की में कंपन था, और ये 500 मीटर से ज़्यादा है, तो इतनी दूर उसका असर पड़ा। तो जब ये सीआरपीएफ स्कूल के चार दीवारी के परली तरफ रोड की तरफ ये धमाका था, और वहाँ एकदम धुएं का गुब्बारा जब उठा, तो मैंने सोचा भी ये तो बम ब्लास्ट है, इसका वीडियो बनाओ। तो मैंने उसका वीडियो बनाने के बाद पुलिस प्रशासन को भेजा। 112 मैंने कॉल की। 112 नंबर पर 7:47 पर पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि मेरी कॉल उनको गई। तो पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया, और जो पुलिस की फायर ब्रिगेड की वो सब गाड़ियाँ मौके पर हलचल शुरू हो गई। 10 मिनट में फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड सारे यहाँ पे मौके पे थे।
सीसीटीवी खंगालने के साथ साथ हजारों फोन कॉल की जांच की जा रही है और इसी साल मई महीने में दिल्ली के 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ऐसे में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच खबर है कि सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया। इसमें कहा गया कि वो किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम है। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लेटर लिखा। टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी। ब्लास्ट के बाद टेलीग्राम चैनल पर डाली गई थी सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज डालकर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस की जांच में अभी तक किसी संगठन का नाम नहीं है। टेलीग्राम से भी अभी तक पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला। वहीं एनआईए और एनएसजी की टीम ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। इतना ही नहीं, प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास रविवार को हुए ब्लास्ट के मामले में दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग संदिग्ध नजर आए। इसके अलावा भी 2 लोग दिखाई दे रहे थे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। हालांकि इन दोनों को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि इस धमाके में इनकी कोई भूमिका थी या नहीं, क्योंकि पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर ये धमाका कैसे हुआ और किस चीज से हुआ, देश की सभी जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। इस ब्लास्ट में जांच एजेंसियां 4 एंगलों से तफ्तीश कर रही हैं, जिसमें नक्सली अटैक, खालिस्तानी लिंक, पाकिस्तानी बेस टेरर और किसी की साजिश शामिल है। दरअसल कुछ समय में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज किया है, जिसको लेकर पुलिस को शक है कि नक्सली भी इस हमले के पीछे हो सकते हैं। वहीं ब्लास्ट मामले में एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। जोरदार धमाके से दीवार में छेद हुआ। घटनास्थल पर सफेद पाउडर बिखरा था। धमाके से सफेद धुएं का गुब्बार उठा। तेज धमाके से आसपास की दुकानों को नुकसान। धमाके की खबर देने वाले से भी पुलिस ने पूछताछ की। फिलहाल धमाके की जांच जारी है। इसके पीछे कौन है, इसका जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन सबके मन में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश है।